कोरोना का रोकथाम एकमात्र टीकाकरण है। टीकाकरण अधिक से अधिक हो इसे लेकर राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र में सप्ताहांत टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसमें दोनों वर्ग 45 प्लस एवं 18 प्लस आयु के व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है। इस दौरान अभियान में युवाओं की भागीदारी अधिक देखने को मिल रही है। वैसे युवा जो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए थे लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा था, वे इस सेंटर में देखे जा रहे हैं। छात्रा बताती है कि मैं काफ़ी उत्सुक थी वैक्सीन लेने को लेकर। पिछले 1.5 साल से मैं घर में कैद हूँ, पढ़ाई लिखाई समेत करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। अब वैक्सीन लेने के बाद हम लोग सामान्य जीवन में लौट आएंगे। टीकाकरण ही एकमात्र संक्रमण से बचने का रास्ता है। वहीं छात्राओं ने आम जनता से अपील भी किया कि बढ़ चढ़कर हर एक व्यक्ति को टीका लेने की आवश्यकता है, तभी हम लोग इस महामारी को मात दे सकते हैं। स्लॉट तो रजिस्ट्रेशन करवाए थे लेकिन स्लॉट मिल नहीं रहा था, स्लॉट डायरेक्ट हमेशा फुल रह रहा था। तो फिर यहाँ पे कैंप लगाया है, यहीं पे आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। कोविशील्ड यहाँ मिल रहा है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन इतनी स्लॉट फुल हो जा रहा है तो फिर लग नहीं पा रहा है। इसी वजह से ये कैंप लगाया झारखंड सरकार की ओर से, तो ये अच्छा है और सारे यंगस्टर के लिए अच्छा है कि जल्दी जल्दी मिल जाए तो फिर अपने एग्ज़ाम वगैरह पर फोकस कर पाएँ। और ये सब पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे मिल भी जा रहा है वैक्सीन, तो यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाएं। मैंने स्लॉट बुक नहीं किया था, मैं ऑन द स्पॉट आकर के वैक्सीन ली हूँ और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है लोगों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आकर के वैक्सीन लें और अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करें, ताकि वो वैक्सीन लेने के बाद लोग अब कभी भी बाहर जा सकते हैं। तो हो सकता है मैं तो जाऊंगी, तो मैं लोगों से यही और लोगों स्टूडेंट लोग से यही दरख्वास्त करूंगी कि वो लोग भी बाहर जाकर के पढ़ाई करें और वैक्सीन ले आएं। टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने के बाद सेल्फी लेते हुए भी खूब लोग दिखे। जिला प्रशासन के द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जिसमें महिला पुरुष छात्र छात्राएं सभी ने जमकर सेल्फी भी लिया। इस दौरान हजारीबाग की जनता ने सरकार को शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यह व्यवस्था किया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा किया गया बहुत अच्छा पहल है, इसका फ़ायदा जितने भी लोग हैं, चाहे 45 वर्ष से ऊपर हों चाहे 18-45 के हों, सभी के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, जिसके कारण से लोग खड़े होकर परेशानी का सामना कर रहे हैं, नहीं तो मैं पूरा धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, झारखंड सरकार का और हजारीबाग के प्रशासन का बहुत अच्छा पहल है। तो व्यवस्थापक भी कहते हैं कि सुबह से हम लोग हर एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, अगर उन्हें समस्या हो रही है तो हम लोग उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। सुरक्षा के तौर पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सबसे अधिक खासियत यह है कि लोगों में उत्साह चरम सीमा में देखने को मिल रहा है। 4 दिन से पहले से मेहनत कर रहे थे और लग रहा था कि जो है मतलब भीड़ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई थी, पुलिस प्रशासन यहां पर लगा हुआ है, हमारे DDC आए हुए हैं, सिविल सर्जन हैं, जिला RCS पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर SK कांत भी मौजूद हैं और सभी स्वास्थ्य। यह एक अच्छा पहल और शुरुआत माना जा सकता है, जहां समाज का हर एक वर्ग बढ़ चढ़कर वैक्सीन ले रहा है, ताकि इस महामारी को हम लोग यहीं रोक सकें। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।